हूँ आपके साथ कविता राणा। प्रभास सर कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और जो कि देखिए लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। लोग ट्रेलर को टीजर से ज्यादा बेहतर बता रहे। दरअसल देखिए फिल्म के टीजर में दर्शकों को काफी ज्यादा खामियां नजर आई थी और जिसके बाद मेकर्स ने ट्रेलर में सभी बातों का ध्यान रखते हुए इसे रिलीज किया। लोगों को ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन रामानंद सागर के रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी का आदि पुरुष के ट्रेलर पर गुस्सा फूट चुका है। दरअसल देखिए सुनील लहरी ने ट्रेलर में राम को हनुमान जी के ऊपर बैठकर तीर चलाने वाले सीन पर आपत्ति जताई है। सुनील लहरी ने एक लीडिंग वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए इस पर यह कहा, मेकर्स ने जबरदस्ती इस फिल्म में रामायण को मॉडर्न तरीके से दिखाने की कोशिश की है, इसी वजह से वो जो दिखाना चाहते हैं वो क्लियर नहीं दिख रहा है। ट्रेलर में कुछ चीजें पसंद नहीं आई, कई चीजों को जबरदस्ती फिल्म में डालने की कोशिश की गई है। रामायण में ऐसा किसी भी जगह नहीं है, बल्कि लक्ष्मण ने ऐसा किया था, वो भी हनुमान के आग्रह करने के बाद। हनुमान के कंधे पर राम बैठे जरूर होते हैं, लेकिन तीर नहीं चलाते। अगर ऐसा होता तो भगवान इंद्र का रथ ही काफी होता, राम जी को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो हनुमान संग उड़कर रावण को मार सकते थे। तो सुनील लहरी ने फिल्म में पहने हुए कॉस्ट्यूम्स पर भी सवाल उठाए और उसको लेकर ये भी कहा, फिल्म में वनवास के दौरान राम सीता और लक्ष्मण को पूरे पूरे कपड़े पहने दिखाया गया है, जबकि राम ने वनवास के दौरान सिर्फ एक भगवा रंग का कपड़ा पहना हुआ था। इस तरह ट्रेलर में राम का रूप दिखाकर इसके चार्म को खराब किया गया है। तो देखा आपने, सुनील लहरी को ट्रेलर की कुछ चीजें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हैं। आपको ये जरूर बता दें कि जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है उसके बाद से ही लोग ट्रेलर पर अपने तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन देखिए ज्यादातर लोगों को फिल्म का ट्रेलर पसंद आया है और जिस कदर का विरोध आदि पुरुष के टीजर को झेलना पड़ा था, उस तरह का विरोध देखिए फिल्म के ट्रेलर पर देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ओम राउत के डायरेक्शन बनी इस फिल्म को भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया है और इस फिल्म को बनाने में देखिए मेकर्स ने जमकर पैसा बहाया है। बताया तो ये भी जाता है कि मेकर्स ने आदि पुरुष को बनाने में 600 करोड़ रुपए लगाए हैं। फिल्म देखिए प्रभास ने प्रभुराम, सैफ अली खान ने लंकेश और कृति सेनन ने माँ सीता, देवदत्त ने भगवान हनुमान और सनी सिंह ने लक्ष्मण का किरदार निभाया है। और देखिए फिल्म का ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा भव्य लग रहा है, सुंदर लग रहा है और ऐसे में देखिए दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। तो ये बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म भी बताई जा रही है और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि 16 जून को हिंदी समेत 5 भाषाओं में रिलीज हो रही ये फिल्म आदि पुरुष रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर पाने में कितनी कामयाब हो पाती है और इस फिल्म के फिलहाल ट्रेलर को लेकर आपके क्या रिएक्शन्स हैं जरूर दीजिएगा।